अमदीप, ये जो आप स्क्रीन पर एक सिनेमैटिक सा मेरा स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये एक वीडियो है जो मैं आपको प्ले करके दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में ये कलर ग्रेडिंग कैसे की गई, इसको इतना खूबसूरत कैसे बनाया गया, ये सारी बातें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं एक सीरीज बना रहा हूँ फिल्मोरा की, वो ट्रिक्स जो नॉर्मली लोग नहीं बताते, वो थोड़ी सी डीप हैं, थोड़ी सी पोशीदा हैं, उससे आप फिल्मोरा से बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी वीडियोस में प्रोफेशनल लुक लेकर आ सकते हैं और आप अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। ये ओवर द इयर्स मैंने चीजें सीखी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप ये पूरी सीरीज नहीं देख रहे तो आप मिस आउट कर रहे हैं फिल्मोरा के कमाल के फीचर्स पे, क्योंकि फिल्मोरा में अपेरेंटली तो बहुत सारे फीचर जो सामने दिखाई दे रहे हैं, मगर आप इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। तो मेक श्योर चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फिल्मोरा की, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो मैंने ये सीरीज लॉन्च की है, जिसके अंदर हर रोज छोटी सी 2-3 मिनट या 4-5 मिनट के अंदर मैं आपको कवर कर देता हूं एक कमाल सा फीचर, जिसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये फीचर पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और ये पूरी सीरीज लाजमी देख लें ताकि आप कोई भी चीज मिस आउट मत करें। तो अभी मैं आपको ये प्ले करके दिखाने लगा हूं, देखें इसके कलर्स, देखें इसका जबरदस्त किस्म का जो है वो सिनेमैटिक इफेक्ट, देखें सिनेमैटिक इफेक्ट लग रहा है। अगर आपको नहीं पता तो ये बैटमैन एक मूवी, उसकी कलर ग्रेडिंग है, तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं जबरदस्त किस्म की वीडियो है, सिनेमैटिक लग रही है, आप इसके अंदर जूम इन जूम आउट भी डाल सकते हैं, वो चीजें तो नॉर्मल हैं, मगर ये कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है, ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे समझेंगे इस वीडियो में। मगर मैं इस वीडियो को इंतहाई शॉर्ट रखूंगा, टू द पॉइंट रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है वो ऑलरेडी फिल्मोरा के बारे में जानते हैं, तो मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जाएंगे कैसे, आपके ये नॉर्मल मीडिया स्क्रीन है, आप अपनी जो है वो वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे या इसको डबल क्लिक कर दें ताकि आपके पास ये पैनल ओपन हो जाए। इसमें आप अपनी वीडियो के साथ मुख्तलिफ चीजें कर सकते हैं, जैसा कि आप मोशन ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसकी स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें कलर में आएंगे आप, कलर में आने के बाद आपने एक ऑप्शन में आना है, ऐसे आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होंगे, एक ऑप्शन में आना है जिसका नाम है 3D LUT। आप 3D LUT में जब आएंगे और आप उसको ओपन करेंगे तो ये इसका नॉर्मल कलर है, जैसे ये देखें, ये आप ये मेरे वीडियो का नॉर्मल कलर था, ठीक है, ये हर चीज नॉर्मल है। इसके बाद में आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट, ये 007 जो है सीरीज है उसके कलर है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट देना चाहते हैं, ये बैटमैन है जो मैंने आपको भी करके दिखाई है, ये कूल फिल्म है, इसमें वॉर्म कलर्स खत्म है, ये खास तौर पे जब आप जो है ना कोई ऐसा सीन फिल्मा रहे हैं जिसमें आप वॉर्म नहीं लाना चाहते, आप बड़ा ही सीरियस सीन करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए, ये डार्क फिल्म है, इसमें थोड़ा सा वो डार्किश कलर कर देता है, ये गेम ऑफ थ्रोन्स का कलर सेट है, यहाँ पे डिफरेंट कलर सेट दिए हुए हैं, ये ग्रेविटी का कलर सेट है, ये भी मुनासिब लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। और फिर जनाब हैरी पॉटर का कलर सेट है, हैरी पॉटर में आपको पता है कि बहुत ज्यादा कलर, वाइब्रेंट कलर नहीं है हैरी पॉटर में। आप उसके बाद में जाए स्पार्टा 300, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, तो आप देख सकते हैं उनके अंदर ऐसे ये कलर थे, उसमें भी कूल इफेक्ट कम था, ज्यादा थोड़ा सा वॉर्म कलर ज्यादा था, रेन, ठीक है। और आप नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे, वॉकिंग डेड फॉर एग्जाम्पल, ये वॉकिंग डेड का है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टार वॉर्स का, मिल जाएगा स्टार वॉर्स का। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप और कोई ये इफेक्ट आपको पसंद नहीं है, आप कोई और इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लट्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है, मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है, मगर खैर मैं ये वीडियो खत्म कर लूंगा, आपने सिंपली जो है वो जाना है डाउनलोड कलर लट्स, ठीक है, आपने ये डाउनलोड पे जाना है, आपको बहुत सारे ये देखें डाउनलोड लट्स फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, आप इधर किसी भी लट को पकड़ें और उसके साथ आप जो है वो इसको डाउनलोड कर लें, ये लट्स आपको डिफरेंट कलर करेक्शंस दे देंगे, जिससे आप ये देखें वो बता भी रहे हैं कि ये कलर लट्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, वार्म हो जाता है, कूल हो जाता है, ये सारे विंटेज कलर लट्स होते हैं, ये आपके सिनेमैटिक वाला, ये देखें ना कितना जबरदस्त लग रहा है सिनेमैटिक वाला, ये आप कर सकते हैं, आई लाइक दिस वन, ठीक है। और फिर आप जो है वो ये ऑफिस वाली स्टैंडर्ड फुटेज को आप इस तरह चेंज कर सकते हैं, आप ये चीजें कर सकते हैं। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते मगर आप कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत खुद इसको चेंजेस करना चाहता हूँ, तो आप एडवांस में जा सकते हैं,
और जैसे ही आप एडवांस में जाते हैं, आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसकी डिफरेंट चेंजेस कर सकें यहाँ से। तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप किसी को डाउनलोड किसी नए लट को डाउनलोड करें। अगर थोड़ी सी आपको कलर करेक्शन आती है, तो आप इसको पकड़ के खुद अपनी वीडियो के अंदर वार्म्थ या कूलनेस, इसका टेम्परेचर कम कर दें, ज्यादा कर दें, देखें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है, मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कैसा जबरदस्त इफेक्ट आ रहा है। तो ये चीज आप खुद कर सकते हैं अपने यहाँ से, सेटिंग से खेल के सेटिंग को वापस ले आए। फॉर एग्जाम्पल आप इसका पर्पलिश कलर लाना चाह रहे हैं, आप ये ले आए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है, ये मुझे बड़ा जबरदस्त लग रहा है, ठीक है। आप इसके अंदर थ्रेशोल्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, एक्सपोजर को ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आप ब्राइटनेस को ज्यादा कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रास्ट को ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ये इधर ज्यादा होता है उधर कम होता है, वाइब्रेंस को कर सकते हैं, सेचुरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बुरी जगह पे रुकी है, मैं किसी नॉर्मल सी जगह पे रोक दूं ताकि आपको, ठीक है। आप लाइट को चेंज कर सकते हैं, हाइलाइट्स को बढ़ा सकते हैं, शेडोज को बढ़ा सकते हैं, फिर आप HSL को चेंज कर सकते हैं, इसमें आप ग्रीनिश जो है वो कलर को कैसे रखना है, आपने कम ज्यादा करना है, रेडिश कलर को कम ज्यादा करना है, उसका ह्यू चेंज करना है, ये आप कर सकते हैं। और फिर आप विंटेज बना सकते हैं, आप वीडियो को थोड़ा सा साइडों से देखें वो डल हो गई है, आप उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप उसके अंदर फेदर ला सकते हैं ताकि वो एक फेदर इफेक्ट आ जाए, आप उसके एक्सपोजर कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं और रियल टाइम आपको यहाँ करके दिखाता है, ठीक है। इसके साथ प्ले करें, अपनी वीडियो को बेस्ट कलर करेक्शन में लेकर आए और लॉन्च करें, और देखें कि आपकी वीडियोज में कितना फर्क आता है कलर करेक्शन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेक श्योर ये पूरी सीरीज देख लें, छोटी वीडियोज मगर टू द पॉइंट वीडियोज आपके लिए बना रहा हूँ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।